बढ़ते प्रदूषण और अन्य मांगों को लेकर श्रम सेवा भूमि स्थापित कामगार संगठन कोरबा द्वारा भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। सर्वमंगला चौक पर शुरू हुए इस आंदोलन में कई गांवों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित शहर कोरबा का जनमानस अब बढ़ते प्रदूषण से आजीज हो गया है। सर्वमंगला मंदिर के आसपास कई गांवों में निवासरत लोगों ने श्रम सेवा भूमि स्थापित कामगार संगठन के बैनर तले पूर्व घोषित भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया है। संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि कोरबा की कुलदेवी मां सर्वमंगला के मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण मंदिर और आसपास का इलाका धूल धूसरित हो रहा है। ये रोड है, मुख्य रोड है, माता हमार विराजमान है, मां सर्वमंगला माँ में मौजूद है। सारा जगह से यहाँ यात्री मान आते हैं दर्शन करेला, लेकिन बस से बदतर स्थिति हो गए है। एक पूरा पूरा सिरे जाते है, शासन प्रशासन लग जाते है और यहाँ के साठ गाड़ करके जो प्रशासन जो रवैया करत है और आम जनता के साथ जो खिलवाड़ करत है, एला हमर क्षेत्र के आदमी मन, हमर गांव के आदमी मन कभी बर्दाश्त नहीं करे। हम सब मिलके लड़ाई लड़त हैं और आने वाला समय में लड़ाई ला और बड़े रूप से लड़बो। अभी तो यह शुरुआत है, हमन स्थायी अनिश्चितकालीन हड़ताल करबो और जरूरत पड़ी तब भूख पूरा के पूरा अनशन रहो, पूरा के पूरा अपन जीवन दाव में लगाबो और एक मुक्ति करवा के रहो। आंदोलनकारी ने बताया कि विकास तो हो लेकिन हमको विनाश से बचाया जाए, इसीलिए यह आंदोलन किया जा रहा है। हमारी इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं, अभी और महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, भी बच्चे भी हैं। और जिला प्रशासन को हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, जिला प्रशासन चाहती है कि कोरबा जिला का विकास हो, लेकिन इस विकास में वो प्रत्येक व्यक्ति का विनाश कर रही है। जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं, जगह जगह धूल डस्ट भरी हुई है और हमारी सबसे मुख्य जो मुद्दा है माँ सर्वमंगला मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन और ऐतिहासिक है, उसकी भी अस्मिता कहीं ना कहीं खो चुकी है इस धूल डस्ट के कारण। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया। कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट।